नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। तहलका ने बाल ठाकरे को आतंकवादी बताकर मचाया तहलका। हमेशा से राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ लिखती आई तहलका मैगजीन ने इस बार नया तहलका किया है। उसने शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे को आतंकवादी बताया है। तहलका ने अपने मैगजीन के कवर पेज पर राष्ट्रद्रोही दाऊद इब्राहिम, याकूब मेनन और भिंडरावाला के साथ ही बाळासाहेब ठाकरे की तस्वीर छापकर पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ा आतंकवादी कौन। शिवसेना और एमएनएस ने इस संबंध में तहलका के संपादक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यूएई में दाऊद की संपत्ति हो सकती है जब्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस दौरान कई अहम समझौते के साथ ही मोदी 1993 बम धमाकों के मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर भी यूएई सरकार से वार्ता करेंगे। यूएई से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत सरकार दुबई में दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने की मांग करेगी। भारत सरकार यूएई को दाऊद पर डोजियर और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी देगी। ये भी बताया जाएगा कि दाऊद का भाई अनीस दुबई में अपने रिश्तेदारों की मदद से कंपनी चलाता है। दाऊद का साम्राज्य यूएई और पाकिस्तान समेत कई देशों में फैला हुआ है। गायक सोनू निगम का हिंदू देवी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। बॉलीवुड के जाने माने गायक सोनू निगम ने राधे मां की तुलना हिंदू धर्म की प्रमुख देवी कालिका माता से करते हुए कहा कि काली मां को तो राधे मां से भी कम कपड़ों में दिखाया गया है। राधे मां के भक्त सोनू निगम ने राधे मां के समर्थन में एक के बाद एक ट्वीट करते हुए राधे मां की छोटे कपड़ों वाली तस्वीरों का बचाव किया। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, काली मां को तो राधे मां से भी कम कपड़ों में दिखाया गया है। अजीब बात यह है कि यह देश कपड़ों की वजह से एक महिला पर मुकदमा चलाना चाहता है। गौरतलब है कि राधे मां पर दहेज उत्पीड़न, लोगों की भावना आहत करने, अश्लीलता फैलाने जैसे आरोप है। हाल ही में राधे मां की लाल रंग की मिनी स्कर्ट पहनी हुई तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ लुधियाना में अश्लीलता फैलाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।